हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर वन अपना कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में करेंगे चैप्टर टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर टू है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब इस चैप्टर में जितने भी रूल्स एंड कंसेप्ट यूज होंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगी, जिससे क्या होगा, आप जब एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो उसके क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर टू, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ओके, हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है आप मुझे बताइए, फ्रैक्शंस क्या होता है आपको पता है? ये हमने सिक्स क्लास में भी पढ़ा है कि फ्रैक्शंस क्या होता है। तो एक नॉर्मली हम आपको डेफिनेशन दें, द पार्ट ऑफ द होल, मतलब किसी होल बॉडी का एक पार्ट। जैसे आपको एक सर्कल दे दिया, ये कंप्लीट होल सर्कल हो गया, हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। हमने इसका शेडेड पोर्शन माना कि ऊपर वाला पार्ट, हमने इसको शेडेड कर दिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वन पार्ट तो आपका शेडेड है और टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, टू, तो ये क्या हो गया आपका हाफ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वन बाय टू को, ये आपका फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, अ पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, पार्ट ऑफ द होल मतलब किसी भी कंप्लीट बॉडी का या कंप्लीट थिंग के अगर हम पार्ट्स कर देते हैं तो वो जो पार्ट्स आते हैं वो कहलाते हैं आपके फ्रैक्शन। अगर बाय चांस हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने इसको थ्री पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, वन टू थ्री हमने कर दिया, हमें बताना है कि इस शेडेड पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, इसका फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा। आपके टोटल पार्ट्स कितने हैं, थ्री, वो नीचे आ गए, और कितने पार्ट्स हमारे शेडेड हैं, वन, तो वन आपका ऊपर आ गया, तो ये हो गया आपका वन थर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, द पार्ट ऑफ द होल बॉडी इज नोन एज द फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, कई बार क्या होता है बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, आपको जैसे कोई फ्रैक्शन दे दिया टू बाय थ्री, ठीक, इसका जो अपर पार्ट होता है वो होता है आपका न्यूमरेटर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो डाउन पार्ट होता है वो होता है आपका डिनोमिनेटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं, डी मतलब डाउन। ठीक है, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आपका डिनोमिनेटर होगा, जो आपका अपर पार्ट होगा वो आपका न्यूमरेटर होगा। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, अभी आपको मैंने बताया कि जो अपर पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है, डाउन पार्ट होता है, उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होता है, मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे टू अपॉन फाइव, इसमें आपका न्यूमरेटर टू है, डिनोमिनेटर आपका फाइव है, यहाँ पर टू जो है फाइव से छोटा है, तो टू अपॉन फाइव आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सेकेंड है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास है सेवन अपॉन टू, तो सेवन अपॉन टू में न्यूमरेटर आपका सेवन है और डिनोमिनेटर आपका टू है, तो यहाँ पर सेवन आपका टू से बड़ा है, तो आपका सेवन अपॉन टू क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में हमारा एक होल नंबर होता है और उसके साथ ही वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्रॉपर या
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि आपका माना कि 2 आपका एक होल नंबर हो गया, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, 2 आपका एक होल नंबर हो गया और 1/3 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और ये आपका होल नंबर, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, 2 1/3 होल नंबर का कॉम्बिनेशन विद इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाया, मिक्स फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। पहला हम करते हैं कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 1/4। ठीक है, 2 आपका होल नंबर, 1/4 आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस 1 और अपॉन में आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो 4 2 8 प्लस 1/4 ये आया आपका 9/4। तो 2 1/4 मिक्स फ्रैक्शन था, उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारा रिजल्ट आया 9/4। अब हम क्या करेंगे, अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा हम करेंगे अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन, उसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने लिया 9/2, ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 के टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो 2 4 8 आपका आया 1 रिमाइंडर। तो आप जो करोगे, जो आपका क्वेश्चन है उसको आप ऐसा होल नंबर लिखोगे, जो आपका रिमाइंडर है उसे आप ऊपर लिखोगे और जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको एज अ डिनोमिनेटर लिखोगे। तो 9/2 जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर क्या आया, 4 1/2। तो ये था कन्वर्जन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि किन्हीं फ्रैक्शन को हम एड कैसे कर सकते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहला, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो उन फ्रैक्शंस को हम एस कैसे ऐड करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो हमारे कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपका डिनोमिनेटर 2 है, दोनों में 2 डिनोमिनेटर है, उसको एज ए डिनोमिनेटर लिखा और ऊपर के दोनों न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया। तो 1 + 3 कितना है, 4 और नीचे आपका 2, तो ये आ गया आपका 4/2 = 2। ठीक है, अब सेकंड आता है कि अगर आपके फ्रैक्शंस जो दे रखे हैं उसके डिनोमिनेटर सेम ना हो, मतलब वो अनलाइक फ्रैक्शंस, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास होता 1/2 और 1/3, अब यहाँ देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का डिनोमिनेटर 2 है और एक का डिनोमिनेटर 3 है। अब हम इनको कैसे ऐड करें, अब हम इनको सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते, हमें दिख रहा है न्यूमरेटर सेम है लेकिन ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ऐड करने के लिए हमारे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारे डिनोमिनेटर आपके सेम होने चाहिए। तो अब इन दोनों फ्रैक्शंस में हमको इनके डिनोमिनेटर सेम करने होंगे तभी हम इनको ऐड कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये डिनोमिनेटर दे रखा है 2 और 3, हम इनका एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम ऑफ 2 और 3, इनका एलसीएम निकालेंगे वो कितना है आपका 6, ठीक है। अब क्या करना है, अब 2 में 1/2 हमने लिया, ठीक। अब 1/2 के डिनोमिनेटर को, 2 को हमें 6 बनाना है जो हमारा एलसीएम आया है। तो अब हमें 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 6 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है तो हमको उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आया, 1 × 3 = 3 और 2/3 आपका 6, ठीक है। सेम हमने लिया 1/3, 1/3 हमको 6 करना है डिनोमिनेटर, तो सेम 3 में किससे मल्टीप्लाई करें जो आपका 6 है, हम 3 में करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ही ऊपर 2 से ही नीचे। तो कितना आया, 2 × 1 = 2 और 3 × 2 = 6, ठीक है। अब 1/2 की वैल्यू तो आ गई 3/6 और 1/3 की वैल्यू आ गई 2/6। अब हम इसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, तो 1/2 की जगह हमने क्या लिखा, 1/2 की जगह आया प्लेस पर आपका 3/6 और 1/3 की प्लेस पर आया 2/6, ठीक। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सीधा सीधा इनको ऐड कर दो, 3 + 2 ये आपका आ गया 5/6, ठीक है। सेम ही प्रोसीजर जो है आपका सब्ट्रैक्शन का होगा, बस उसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक। तो वो होपफुली आप वो लोग कर लोगे, तो एडिशन हमारा हो गया, सब्ट्रैक्शन हमारा हो गया। अब हम आते हैं किस पर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक। अब ये आपका दो पार्ट से होगा, बाय द होल नंबर जब आपको फ्रैक्शन नहीं दे रखा होगा, और दूसरा आपका फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, ठीक। तो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक। ये दो तरीके से होगा, पहला बाय होल नंबर, कि अगर होल नंबर की फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कराएं तो कैसे करेंगे, बाय होल नंबर, और सेकेंड बाय फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक। तो फर्स्ट हमारा आता है होल नंबर और फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई। इसको एक एग्जांपल लेते हैं, 6 हमने वाला हमारा होल नंबर है और 1/5 हमारा एक फ्रैक्शन दे रखा है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, 6 के नीचे हमें अपॉन 1 करना है। मल्टीप्लीकेशन में हमें कोई डिनोमिनेटर इक्वल सेम नहीं बनाने होते, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 1 आपका 6 हो जाएगा और 1 × 5 आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अगर हमें फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में करने, मतलब आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है 1/3, एक फ्रैक्शन दे रखा है आपका 2/7, आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, सीधा सीधा न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 × 2 आपका 2, 3 × 7 आपका आ गया 21। तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, कि होल नंबर की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे होगी, और फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे होगी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन की जगह आ जाता है प्रोडक्ट, या फिर आपका लिखा जाता है ऑफ। आपने कुछ नहीं करना है, जहां भी प्रोडक्ट हो या ऑफ लिखा हो वहां पर आपको केवल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया 6 ऑफ 2/3, तो आपने कुछ नहीं करना, 6 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करना है, का साइन लगाना है और 2/3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 × 2 = 12 और 3 × 1 आपका 3 आ जाएगा, ठीक। ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करते हैं डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करेंगे आपस में। Division of fractions. इसमें क्या करते हैं, अगर आपको किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, मतलब आपको 6 को हम ले लें 2/5 से डिवाइड करना है, अब कैसे करोगे, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका डिवाइड के बाद वाला नंबर है, मतलब फ्रैक्शन जो दे रखा है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, ठीक है। इसका हम क्या लिख लेंगे, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल मतलब इसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, 2/5 है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 5/2, ठीक। अब क्या करेंगे, 6 एज इट इज होल नंबर, डिवाइड की जगह आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन,
और 2/5 का हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल। तो सीधा सीधा आप मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हो। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में 6 × 5 = 30 और 1 × 2 = 2। ठीक है, ये तो था होल नंबर को जब आप फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे। अब आता है फ्रैक्शन को जब आप फ्रैक्शन से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे। सेम वही प्रोसीजर हमको फॉलो करना है। अगर हमारे पास है 2/3 को हमें डिवाइड करना है 1/7 से, तो हम कैसे करेंगे। आप 1/7 का रेसिप्रोकल लिखोगे, 2/3 आपका एज इट इज, डिविजन की जगह आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और 1/7 का रेसिप्रोकल मतलब आप इसको रिवर्स करके लिख दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 7/1। सीधा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 2 × 7 = 14, 3 × 1 = 3। तो 2/3 को हमने अगर 1/7 से डिवाइड करा तो हमारा रिजल्ट आया 14/3। तो ये था आपका डिविजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, डिविजन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम करते हैं किसी फ्रैक्शन को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए उसको करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, आपको की फ्रैक्शन दे रखा है 12/18। इसको आपको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। अब आप एक कोई ऐसा नंबर देखिए जिसके टेबल में दोनों ही नंबर आ रहे हो, मतलब वो उस नंबर को, वो नंबर दोनों ही नंबर्स को कट कर रहा हो। अगर हम 2 से देखें, 12 को भी कट करेगा और 18 को भी कट करेगा, तो क्या आ जाएगा, 2 6 = 12 और 2 9 = 18, तो ये आया आपका 6/9। अब क्या ये 2 से दोबारा कट हो सकता है, लेकिन 2 से आपका 6 तो कट हो सकता है लेकिन 9 नहीं कट हो सकता। हमने एक ऐसा नंबर चाहिए, हमको ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों ही डिजिट को कट कर दे। अब देखिए 3 6 को भी कट कर देगा, 3 2 = 6 और 3 9 को भी कट कर देगा, 3 3 = 9। तो 12/18 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो आई आपकी 2/3, क्योंकि दोनों ही आपके प्राइम नंबर्स हैं और ऐसे नंबर हैं जो आप किसी भी नंबर से कट नहीं होने के। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप से कट हो और 1 से कट हो। ठीक है, तो 12/18 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई, 2/3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का हमने पार्ट 1 फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे या हम आपके साथ इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब हमें इसके क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे। तो आप तब तक इसको रिवाइज करिए, जो भी आज आपको मैंने लेक्चर में पढ़ाया है तब तक आप उसको रिवाइज करिए। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब ये क्वेश्चन उनको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट डेसिमल। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।